हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे अनदर ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं छतरपुर मंदिर, हमारे घर के पास में छतरपुर मंदिर है। तो हम सब अपनी बाइक पे निकल चुके हैं, सबने अपनी अपनी बाइक ली है। और पास में ही बाहर से कुछ देखने में डेकोरेशन ऐसी रहती है हर साल। सबसे अच्छी सुविधा यहाँ पे ये लगती है कि आप जूते या चप्पल और जो हेलमेट वगैरह हो गए उसकी कोई फीस नहीं है। तो प्रसाद ले लिया है, अब चल रहे हैं लाइन लगाने के लिए। बहुत खुशी होती है जल्दी जल्दी जाने में, और जल्दी लाइन लगाओ। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। क्या माता दी, जय माता दी। तो गाइस भीड़ देखिए कितनी होती है यहाँ पे भीड़। और मैं रात में आया हूँ, जब भी देखिए आप कितनी भीड़ है रात में। बहुत चलने के बाद मंदिर में एंटर तो हो चुके हैं। यहाँ से थोड़ा राउंड होकर यहाँ से ये भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पहले भोलेनाथ है और नंदी जी की। गाइस मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं, दर्शन कर रहे हैं बिल्कुल सामने बैठ के। तो गाइस आप भी कर लीजिए दर्शन, देखिए ये माता रानी का कक्ष बना रखा है, इसमें उनकी सेज वगैरह सजी हुई है, चांदी के बर्तन हैं, काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। तो गाइस यहाँ देखें, यहाँ कुछ डेकोरेशन कर रखी है, एक बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां हैं और लाइटिंग वगैरह के साथ डेकोरेशन कर रखी है। मंदिरों के बीच में एक मंदिर का हिस्सा ये भी है, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है लाइटों के साथ। तो गए रात काफ़ी हो चुकी है, करीबन 12 से 1 बज चुका है, और हम सब बैठे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। काफ़ी भूख लग रही थी क्योंकि रात में बहुत चलना हुआ था मंदिर के अंदर, इसलिए बैठ के थोड़ा प्रसाद वरसाद खा के अब हम निकल रहे हैं घर। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना इस ब्लॉग को।